नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं हूं श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे आज हम जा रहे हैं हमारी टाटा सफारी की सेकंड सर्विस कराने। टाटा क्लेम करती है भैया 7,500 किलोमीटर पे जो है आपको सर्विस करा लेनी चाहिए सेकंड, लेकिन मैं जो है एक बात बता दूं, जो है आप 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस है जो टाटा 7,500 किलोमीटर पे बोलती है, क्योंकि अपन इंडियंस भी जो है ना थोड़े से ज्यादा तेज है, अपन कराते 11,000 किलोमीटर पे। तो हालांकि ये जो पर्टिकुलर मेरी सफारी है ना, ये चल चुकी है भैया लगभग 9,000 किलोमीटर के आसपास, और मैंने सोचा यार अब तो करा ही लेनी चाहिए, क्योंकि देखो टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा था, इधर उधर जो है थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए नहीं करानी थी। और सबसे बड़ी बात, मैं चाहता था यार जब बारिश ना आए ना तब कराऊं, जो गाड़ी साफ सुथरी रहे, लेकिन बारिश तो भैया वापस मौसम जो है चालू हो चुका है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मैंने सोचा यार चलो करा ही लेते हैं, फिर नवरात्र स्थापना वगैरह होगी तो फिर उसके बाद फिर जाएगी 10,000-12,000 किलोमीटर जो है ना कराने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज निकले सर्विस कराने और एक्सपीरियंस जो है आपसे शेयर करने वाले हैं, दो तीन प्रॉब्लम्स जो है मुझे इसके अंदर आ रही है। तो भैया पहली प्रॉब्लम की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर जैसे ही अपन गेट खोल के आते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर आने के बाद जैसे ही आप इसको खींचते हैं ना, तो यार ये वाली जो सीट है ना पूरी टंबल होके पूरी नीचे आ जाती है। लेकिन अभी हो ऐसा रहा है कि ये आ नहीं रही है। अब आप लोग सोचोगे इससे कुछ रिलेटेड है, लेकिन नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर खूब गैप बच रहा है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जो है ये नहीं आ रही, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी ये देखो पूरा इसको नीचे करके फिर दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा नीचे कर दिया। ये जो सेम प्रॉब्लम है ना, ये टाटा हेक्सा के अंदर भी आई थी, जो मैंने जिसकी वीडियो बनाई थी ना मेरे फ्रेंड की, टाटा हेक्सा, उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम आई थी, इसके अंदर एक ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात, इसके अंदर जो दूसरी प्रॉब्लम है ना, उसका खैर कोई उपाय नहीं है यार उस प्रॉब्लम का। एक देखो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे, तो ये देखो पेंट के अंदर क्रैक आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो आ रही है मुझे इधर की तरफ भी, एक जो है कोई से रिलेटेड ही है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे था, फोटोज़ वगैरह मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो वो प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर एक आ रही है। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा यार इसको धुलवा भी लेगा, तो ये कि प्रॉब्लम है जो मुझे अभी मेजर इनको बतानी है। ये देख रहे हो भाई, ये दो ये होती है मिट्टी, और ये लोग बाग जो है ना, अब यार क्या कह सकते हैं यार, गाड़ी साफ जो है ना रह ही नहीं सकती अपनी भाई, तो लेके चलते हैं फटाफट से। अब भैया देख लो सफारी क्यों लिए, क्योंकि ऐसे जो रास्ते हैं ना वहाँ पे चलाने के लिए मुझे पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, भाटा वाटा अट भी सकता है, लेकिन नहीं चुल है भाई, अपन को निकालनी यहीं से ही है, क्योंकि एक SUV वाला फील तो आना चाहिए ना गाड़ी के अंदर, कब तक सीधी सीधी रोडों पे चलाएंगे, और ये निकाल लिया। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। अब वहाँ पे जो भैया थे ना, जो हमारे भैया थे बहुत ज़्यादा स्वीट थे, तो भैया बोलते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी मत करो भैया, तो मैं बोला भैया प्लीज़ चलो करना है, तो 2 मिनट के ना यूट्यूब पे एक शूट करना है, तो भैया खुश होगा, अच्छा यूट्यूब पे शूट हो रहा है तो लोग बाग आ रहे होंगे, कि नहीं भैया आजकल जमाना थोड़ा सा एडवांस हो गया, मैं ही कर लूँगा, तो फिर बोले चलो कर लो। फिर उसके बाद में उनको थैंक यू बोल के आया, तो खुश हो गया यार। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसका ध्यान रखते हैं ना, तो यार सामने वाले को भी जो है खुशी होती है, थोड़ा सा खुश हो जाता है इंसान। तो भैया दो तीन चीज़ें याद रखते रखते यार ये तो भूल ही गया, जो सेकंड वाली प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था वो क्या थी। अब आज से पहले आपको याद होगा मैंने एक बार थोड़ा टाइम पहले वीडियो बनाई थी, जहाँ पे इसकी की के अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी, हालांकि वो की वाली प्रॉब्लम अब दोबारा रिपीट तो नहीं हुई है, लेकिन यार उसके साथ ही एक प्रॉब्लम मैंने टाटा वालों को ही बताई थी कि यार इसका जो हैंड ब्रेक की जो केबल है ना वो चेंज होगी, वहाँ पे हैंड ब्रेक जो है ना आवाज़ अजीब सी करता है। तो अब मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने बोला था ठीक है सर 7-8 दिन में आ जाएगा, ऑर्डर लगा दिया। फिर मैं उनके पास गया था 15-20 दिन बाद, तब वो पार्ट नहीं आया। तब आज भी जो है ये लोग बोलेंगे सर आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार। तो भाई आज तो बहुत ही गजब का रश है यहाँ पर यार, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, बाहर निकाल रहे हैं गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ियाँ बाहर निकाल के ले गए जिससे अंदर जगह हो। अब पता नहीं भाई अपना तो नंबर कब आएगा, अब गाड़ी चाहिए आज, करते देखो या तो यहाँ पर सर्विस करते ठीक है, नहीं तो करते हैं दूसरी जगह बात, दूसरी जगह लेके चलते हैं। तो भैया यहाँ पर तो है रश भयंकर, बहुत ही ज्यादा गजब का। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर कराने का कोई फायदा भी नहीं, अगर ये गाड़ी शाम तक देते भी है ना तो भी घास काटेंगे, कोई मतलब नहीं है, तो मैं लेके जा रहा हूँ दूसरे डीलरशिप जहाँ पे मेरे नोन हैं, उनको मैंने फोन कर दिया। अब वहां पर जो है अच्छे से इसको कराएंगे पैम्पर, इसकी कराएंगे सर्विस। भाई देखो इस ये जो शेवरले बीट आपको मेरे सामने दिख रही है ना यार, इसको देख के मुझे एक चीज याद आई कि यार सरकार ऐसी ऐसी गाड़ियों को तो रोकने में लगी हुई है जो एकदम फिट है फिजिकली, मतलब जैसे कई ऐसी ऐसी गाड़ियों को बैन कर दिया जो एकदम इंजन जिनके एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन थे, बहुत गजब के थे, और ऐसी ऐसी गाड़ियां देखो आराम से सड़क पे घूम रही है जो कितना ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है। मतलब यार ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली हो जाती है यार कई बार, कि यार ऐसी ऐसी, और कई मैं ऐसे रिक्शे भी देखता हूँ भाई बहुत ज्यादा गजब के पॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन कोई रोकने वाला ही नहीं है, वो चल रहे हैं आराम से चले जा रहे हैं। पता नहीं यार ये मुझे लगता है इन गाड़ियों पे रोक लगनी चाहिए ना कि उन गाड़ियों पे यार। भाई एट द एंड ऑफ द डे बच चुके हैं हमको यहाँ पे, कितना टाइम हो गया, 2:40 हो गए, और भाई अब पहुँचे यहाँ पे, 11 किलोमीटर पड़ता है और ट्रैफिक वगैरह में, हालांकि जो गुड़गांव दिल्ली से देख रहे होंगे ना उनको तो ऐसे लग रहा होगा कि यार 11 किलोमीटर तो यार पास में ही, लेकिन हाँ भाई जयपुर वालों के लिए तो बहुत दूर हो जाता है 11-12-15 किलोमीटर,
मैं आ गया मानसरोवर से सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर है टाटा का वर्कशॉप, अब देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ 100 मीटर पे लेफ्ट बता रहा है, तो आगे होगा 100 मीटर पे लेफ्ट यहाँ पे। तो चलते हैं फटाफट से। और यहाँ पर ये देखो MG वालों का ये वर्कशॉप यहाँ पर है, और MG वालों ने पता है क्या ड्रॉप और पिकअप की फैसिलिटी भी कर रखी है भाई यहाँ पे, बहुत गजब। और आपको पता है क्या, उसी के साथ ही अगर आप गाड़ी ड्रॉप करने आते हो ना, तो ऐसे नहीं MG के इलेक्ट्रिक EV से छोड़ेंगे, BYD कंपनी की जो इलेक्ट्रिक कार आती है ना भाई, उससे ड्रॉप करके आते हैं आपको। तो ये भी एक अलग क्रेज है। बाकी अपनी टाटा दिख नहीं रही यार। टाटा टाटा वेयर आर यू डियर टाटा। यहाँ पर है कहीं शायद यार, ये तो हुंडई का गया। मतलब यहाँ पे सारी गाड़ियों के मिल जाते हैं। 60 मीटर बाद लेफ्ट, ओके, मतलब आगे 30 मीटर बाद लेफ्ट यहाँ पर है शायद, ये रहा 1 मीटर बाद लेफ्ट। अरे कहाँ पर आ गए यार, पूछते हैं देखो इनसे कहीं पे। टाटा का वर्कशॉप कहाँ है भैया? पीछे वाली गली। तो भाई पीछे ही छोड़ आया यार। एक तो यार यहाँ पर एक और कमी है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक अप डाउन यहाँ पे ड्राइवर साइड वाला है यार सिर्फ, और दूसरा कोई है ही नहीं। तो पहली बार आया गूगल मैप जहाँ पर पास पास में गलियाँ होती है ना, वहाँ पे कंफ्यूज कर देता भैया गूगल मैप। तो देखो चचा ने कितनी बढ़िया चमका रखी है अपनी अल्काज़र। वाह, अल्काज़र अल्काज़ार जो भी है, एडोर हुंडई की सर्विस सेंटर ही है वैसे। अपन को चलना है यहाँ पे इधर। ओके ओके ओके, ये देखो भैया चचा तो अभी भी हमको लेफ्ट घुमाने में ही है, पर हम पूछ कर आए इसलिए हम घूमेंगे राइट। यहाँ पर हम घूम गए राइट और आप बताते रहो 200 मीटर बाद लेफ्ट। हाँ हाँ, इसलिए भैया नेवर ट्रस्ट हिम, ऑलवेज आस्क इधर उधर। अब भैया जब अराइव हो गए तब बता रहा है यू हैव अराइव्ड। वाह मेरे लाल, और यहाँ पर भीड़ तो खतरनाक है भाई। पता नहीं कहाँ पे खोप चिकन तो बना रखा है यार सर्विस स्टेशन। अपन को चलना है अंदर, लेते हैं यहाँ से लेफ्ट और इधर आ गई अपनी डेस्टिनेशन। गाड़ियाँ तो खूब लग रही है भैया, खूब लग रही है गाड़ियाँ। अरे भैया हट जाओ। तो अभी मैं यहाँ पर आया था और हमें मिले संजय भैया, उन्होंने बोला कि यार ये जो है ना आपको गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है इसकी तो वारंटी में कराओ ना। इतनी देर से मैं जब और डीलरशिप्स में जा रहा था ना, तो किसी मैंने उनको बताया भी पर किसी ने जो है इस बात पे नोट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर लेकर आया, मैंने बोला यार भैया देखो उनका खुद का ही ध्यान गया, तो मैं यार ये तो जब से लिए तब से बोला यार ये तो नोट करवाओ वारंटी के अंदर करवा लेना इसको, ये भी होंगे सारे और वो ये देखो यहाँ पर भी होंगे ना, ये सारे जो है वारंटी में हमारे जो है रिप्लेस हो जाएंगे। तो यार अच्छी है टाटा की सर्विस, अच्छी ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है करने वाला होना चाहिए। डीलरशिप जो है ना उनकी दिमाग में उनके दिल में होनी चाहिए कि हाँ भाई कस्टमर को कस्टमर की जैसा ट्रीट करे, तो अच्छी सर्विस भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी डेफ वगैरह डलेगा और जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी बता दी, एक हैंड ब्रेक के केबल की बता दी, तो सारी चीज़ें जो है ना सॉल्व हो जाएगी। हालांकि केबल वाली के लिए तो वापस आना पड़ेगा क्योंकि यार टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए अगली बार ही कराएंगे। लेकिन हाँ अभी तो ये सारी चीज़ें करवा लेते हैं। ये है देखो भाई बैरिक और इंजन वाली सफारी स्ट्रॉम, इसकी हाइट देखो कितनी ज़्यादा गजब उठी हुई है यार गजब। हालांकि ये भी सर्विस होने आई है, कुछ काम वगैरह होने आई होगी। और आवाज़ सुनाता हूँ उसकी एक बार आपको। नाइस, तो भाई यहाँ पर हमको मिले हैं फरमान भाई, और ये जो लॉक इसका अटक रखा था ना यार, ये जो है हमने फरमान भाई ने लॉक सही कर दिया। भैया क्या हो गया था इसके अंदर? ये लॉक अटक रहा था भैया इसके अंदर। हाँ, ये क्या हुआ, पंच हो जाता है। अच्छा, ये कपड़े से कारपेट है ना। हाँ हाँ, इससे पंच हो जाता है। अच्छा, यहाँ से दो बार झटका देंगे ना अपन। हाँ, उसके बाद ही निकल जाता है। तो भाई सुन लो फरमान भाई क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या ये अटक जाता है, तो अटकने के बाद अगर आप दो बार झटके दोगे ना, तो यार झटके मारने पड़ रहे हैं फरमान भाई नई गाड़ी में यार। अच्छा हाँ, तो ये भाई ने निकाल दिया और दो तीन बार इसको करके भी देख लिया, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो भाई आए, तो भाई यहाँ पर आए हुए हो चुके हैं लगभग 1.5-2 घंटे, और यहाँ पर जो है ना पूरा बारिश का मौसम हो चुका है। अब गाड़ी धुलवाऊंगा और बारिश के अंदर ले जानी पड़ेगी वापस से यार। तो भाई यहाँ पर पूरी फील है जैगुआर लैंड रोवर वाली भाई, ऐसे ही नहीं बोलते टाटा ने ओन कर रखा है इन ब्रांड्स को, बढ़िया से कवर वगैरह लगा के और ये जैगुआर की मैटिंग लगा के उसके बाद सर्विस हो रही है अपनी गाड़ी की। हालांकि हो क्या रहा है देखते हैं चल के अंदर। तो भैया यहाँ पर डल चुका है अपनी गाड़ी के अंदर डेफ पूरा कंप्लीट, और ये जो है जो बचा हुआ डेफ है ये भैया ने रख दिया यहाँ पे। अब इसको अपन इधर डिग्गी में रख देंगे, और एक भैया ने नई ये जो है ना कुप्पी निकाल के दे दी कि भैया जब आप भरो ना कभी तो आप इससे भर लेना आराम से। तो यार ये बढ़िया काम हो गया, जो अपने जिससे भरा था वो तो यहाँ पर फेंक दिया इन्होंने, बाकी ये हो गया। यहाँ पे हैंड ब्रेक का अपडेट दूर, तो ये वाला जो है ना इसका पार्ट ऑर्डर करवाने डाल दिया। ये जो पूरा हैंड ब्रेक है ना ये चेंज होगा, क्योंकि यार ये आवाज़ कर रहा है। अब मैं आपको सुनाता हूँ ये इसकी आवाज़, ये जब से ली थी ना तब से ये प्रॉब्लम है। ये देखो इन्होंने जितना कर सकते थे उतना तो कर दिया, बाकी लुब्रिकेशन वगैरह डाल दिया, बाकी इसके अंदर प्रॉब्लम है जो करवा देंगे इसको सही। ये देखो भाई ये अपना एयर फिल्टर, इसकी हालत देखो क्या हो गई। अब इसको चेंज नहीं करा रही है तो भैया हो जाएगा ना, इसको क्लीन हो जाएगा ना। हाँ,
तो इसको क्लीन करके भैया लगा रहे हैं। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया यार ये कितने रुपए का आता है, अगर ये सस्ता आता हो तो चेंज ही कर दो। तो बोले यार भैया 1200 रुपए का आता है अल्टो के, चाहे 6-7 फिल्टर आ जाए। मैंने बोला नहीं भैया फिर तो यही साफ करके लगा दो, उसमें फायदा है। जब 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराएंगे ना तब इसको करवा देंगे। बाकी ये ज़रूरी होता है यार, ये तो आप अगर किसी को खोलना करना आता ना तो ये तो वैसे भी कर लिया करो, गाड़ी की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाती है। और जो लोग लद्दाख वगैरह जाते हैं ना, मेजर प्रॉब्लम जो आती है ना गाड़ी के अंदर पिकअप की, वो इस वजह से आती है क्योंकि ये चोक हो जाता है मिट्टी वगैरह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी अपनी गाड़ी का रूटीन वॉश करो ना तो ये एयर इनटेक का होता है, तो यहाँ से गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना तो एयर लेती है, तो इसलिए क्या होता है इसके अंदर ये एयर फिल्टर होता है जिससे इंजन के अंदर एयर जाती है। तो यहाँ पर इसका फिल्टर लगा होता है तो यहाँ से जो है ना एब्जॉर्ब करता है। तो इस पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि साफ ही रखो आप, क्योंकि यहाँ पर गंदगी रहेगी ना उतना ज़्यादा ये एयर फिल्टर जल्दी चोक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर साफ रखने से क्या होगा कि आराम से थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन में चल जाएगा और गाड़ी का पिकअप भी बना रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अभी इसकी टेस्ट ड्राइव ले लिए, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में कोई प्रॉब्लम हमको लगी नहीं, गाड़ी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो हो चुकी है सॉर्ट। अभी टाइम है गाड़ी की वॉश का, क्योंकि देखो आपको दिखाता हूँ, बाहर से तो आप हालत देख ही सकते हो लेकिन अंदर से देखो, ये देख लो भाई, ये देखो कितनी बुरी तरीके से गंदी हो रही है गाड़ी। फ्रंट से दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, कितनी डिटेलिंग से यहाँ पे वॉशिंग हो रही है गाड़ी की यार, कितनी डिटेलिंग से। और अगर कहीं और पे जाके कराओ ना, जैसे दूसरे वर्कशॉप में करा था तो वहाँ पे बोलना पड़ता था लिटरली, भैया रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इतनी डिटेलिंग से, जैसे कि आप ड्राई क्लीन करवा रहे हो गाड़ी की, वैसे साफ कर रहे हैं बिल्कुल भैया, बहुत मेहनती है यार सच में। हाँ हमको लगा रखे हैं दोनों को, हाँ तुम अच्छा काम करते हो मैन से बिल्कुल, हाँ ठीक है यार हमने लगे। अब लाइट भी आ गई भाई, लाइट चल गई थी, चेक करके देते हैं। हाँ नहीं नहीं यार होना भी ऐसा ही चाहिए भाई, जो काम करो परफेक्ट करो ना। बहुत बढ़िया लड़का है यार ये, मतलब इतनी डिटेलिंग से साफ कर रहा है ना, मैं ही नहीं सबकी गाड़ी में इसको देख रहा हूँ काफी देर से, डिटेलिंग से साफ कर रहा है सारी गाड़ियाँ एकदम लग के। जहाँ पे दूसरी जगह में करवाता था ना, वहाँ तो क्या होता था कि सिर्फ प्रेशर डाल के देते थे, जो मिट्टी उड़ के पूरे डैशबोर्ड वगैरह पर लग जाती थी, ये लोग अच्छी तरह पहले वाटरलेस वाले उससे साफ करके फिर वैक्यूम कर रहे हैं अच्छी तरह, जिससे एक एक कण भी जो है ना वो मिट्टी का ना रहे। बहुत बढ़िया वॉशिंग कर रहे हैं भाई के काम करने की डेडिकेशन देखो, कहाँ कैसे घुस के एडजस्ट होकर पतला सा एकदम काम कर रहा है, बिल्कुल मेहनती है भाई एकदम। क्या नाम है भाई? सुल्तान। क्या बात है। ये देखो भाई यहाँ से देखो यार, यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह जमी हुई थी ना बढ़िया सारा, ये एकदम पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका, पूरा बढ़िया शानदार चमक गया यार, बढ़िया काम कर दिया अंदर से तो एकदम शानदार हो चुकी है, कहीं से भी कोई धूल वगैरह के कण वगैरह नहीं दिख रहे, चाहे साहब नीचे देख लो या फिर इधर की बात करें तो इधर भी बढ़िया से गाड़ी जो है साफ हो चुकी है। लगाते हैं इसको बाहर और फिर उसके बाद बाहर से वॉशिंग देखते हैं। गाड़ी लग चुकी है अपनी वॉशिंग बे के अंदर और यहाँ पर होगी पहले तो ऑटोमेटेड मशीन से पूरी वॉश, उसके बाद में ये यहाँ पर लगा के पूरा प्रेशर वॉश करेंगे गाड़ी को। गजब। ये देखो भाई कलर में अंदाजा आपको पता लग जाएगा, जहां से साफ हो गई ना वहां से तो अलग ही व्हाइट निकल के आया है, और जहां से अभी नहीं हुई ना जहां पे कपड़ा लगना बाकी है वहां पे अजीब सा ही दिख रहा है कलर,
तो कितना फर्क पड़ जाता है वॉशिंग से, कितनी मिट्टी जमी हुई रहती है, पेंट को आपके हार्म करती है सीधी सीधी खड़ी खड़ी। ओके, तो अपन अपनी गाड़ी की सर्विस करा के निकल चुके हैं और टाइम देख लीजिए क्या हो गया, 7:14 जो है हमको पहुंचते पहुंचते हो गए और आधा रास्ता ही कवर हुआ है, अभी आधा रास्ता जो है बाकी है। यहाँ पर क्या क्या गाड़ी में काम हुआ है ना उसकी मैं बात बता दूँ, तो ये सेकंड सर्विस थी जो 7,500 किलोमीटर चलाने के बाद करवानी होती है। उसके अंदर आपका जो है सिर्फ जनरल चेकअप वगैरह होता है, गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है ना तो वो रेक्टिफाई करके उसको सॉल्व कर देता है। मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो गाड़ी की बिडिंग जो है ना अपने आप उतरने लग गई थी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, दूसरी प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा था वो हैंडब्रेक के साथ कर रहा था, हालांकि थोड़ा बहुत अभी तो सही करके दे दिया है हालांकि, लेकिन वहां पर क्या है उन्होंने जो है दोनों ही चीजों के वारंटी के अंदर जो है उसका चेंज करने के लिए कह दिया और पार्ट का जो है ना ऑर्डर लगा दिया। अब पार्ट आने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, 7-8 दिन का तो मानिए, लेकिन 7-8 दिन बाद जो है मेरे को उतना टाइम नहीं कि मैं इतनी दूर सिर्फ ये पार्ट लगवाने जाऊं। तो अपन क्या करेंगे, जब अगली बार सर्विस पे आएगी ना गाड़ी 5,000 किलोमीटर बाद वापस सर्विस पे आएगी जिसमें ऑयल वगैरह सब चेंज होगा, तो तब अपन करवा लेंगे। अब जो है इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी के अंदर जो है सीट सेकंड वाली जो है ना वो स्प्लिट नहीं हो रही थी, तो वो क्या होता है लॉक होके फंस जाता है। तो अपने वहाँ पर एक भाई थे, उन्होंने जो है कर दिया, वो पहचान भी गए थे कि भैया आप तो यूट्यूब से हो ना, तो मैंने बोला हाँ भैया है, हालांकि अपनी बहुत छोटी फैमिली लेकिन जो है लोग बाग फिर भी पहचान जाते हैं, तो ये वाली चीज़ हुई। बाकी वहाँ पर वॉशिंग सबसे बढ़िया चीज़ ये देखो, ये सबसे बुरी चीज़ मुझे इस गाड़ी की लगती है यार, ये सेकेंड गियर में थी और ये बंद हो गई, तो सेकेंड गियर के अंदर जो है गाड़ी ये बंद हो जाती है। हालांकि डीजल वाला कोई बात नहीं, लेकिन कोई हालांकि जो वॉशिंग थी ना मुझे सबसे बढ़िया चीज़ गाड़ी की लगी कि वॉशिंग बहुत ज़्यादा तबीयत से करी गाड़ी की, मतलब इतनी बढ़िया वॉशिंग करी गाड़ी की, इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत मतलब एकदम डिटेल्ड के अंदर जाके एकदम वॉश करी गाड़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गया भाई उस चीज़ से। तो बाकी ऐसा मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस था। अगर मैं सर्विस की कॉस्ट आपको बताऊं तो यहां पर उन्होंने जो अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो यार डेफ का जो चार्ज जब से बढ़ा है ना तब से भाई साहब हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि डेफ के जो है ना पैसे लगते हैं और ये मतलब मेरा तो अब जैसे अपनी गाड़ी चली कितनी 9,000 किलोमीटर के लगभग चली और तीसरी टंकी जो है ना मैंने अब डलवाई है डेफ की, तो ये देख लीजिए आप 1200 करके कितनी बार हो चुकी है। एक बार तो टंकी आई थी जो शोरूम से आई थी 2400 रुपये का, तो डेफ डलवा चुका अभी मैं 9,000 किलोमीटर में इसमें, तो है तो अपनी जेब से जाने वाली चीज़ ना। बाकी यार ये अभी तक का एक्सपीरियंस था। बाकी उन्होंने जो एस्टीमेट बनाया था वो तो बनाया था 1800 रुपये का, जिसके अंदर उन्होंने बोला था लुब्रिकेशन वगैरह 450-500 रुपये की लुब्रिकेशन थी। हालांकि यार मेरे को वर्थ इट लगी नहीं कि लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए लुब्रिकेशन, हालांकि लुब्रिकेशन हो जाता यार अच्छी बात है लुब्रिकेशन हो जाए तो, लेकिन यार 400-500 रुपये के लिए मैं उसको वर्थ नहीं समझता। वो 400-500 रुपये बचा के मैं ये अपनी गाड़ी के लिए लिया परफ्यूम, ये वाला परफ्यूम लिया, मैं ब्रांडिंग तो दिखाऊंगा नहीं हालांकि, लेकिन हाँ बढ़िया परफ्यूम लिया है और बढ़िया जो है महक रहा है। हालांकि अब मेरा मन इन्वॉल्व का था यार, क्योंकि इन्वॉल्व की जो महक है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि ये सब तो मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस था, तो सर्विस का ओवरऑल बिल बना है मेरा 1350 रुपये का, जिसके अंदर 1400 रुपये मान लो यार 1400 रुपये मान लो, जिसमें से 1300 रुपये का तो जो है डेफ था और 100 रुपये का उन्होंने मैंने उनको बोल दिया था, मना कर दिया था कि यार नहीं भैया मेरे को वो नहीं डलवाना, तो उन्होंने क्या वॉशर फ्लूइड जहाँ पर डलता है ना वहाँ पर उन्होंने डाला है अपने डिस्टिल वाटर और वो उसका शैम्पू डाला है, तो यार मैं तो मना कर रहा था, मैं क्या जरूरत है यार, वैसे भी आरओ का पानी भरते हैं और इतना सा वो लेकर शैम्पू का इतना सा पार्ट लेकर थोड़ा सा शैम्पू लेकर उसको अच्छे से मिक्स कर लो पूरी बॉटल के अंदर शेक करके, उसके बाद में पानी जब डालो ना तो उसको भी डाल देना, ये सफिशियंट है यार। आप जो है नॉर्मल टैप वाटर मत भरना इसके अंदर, क्योंकि नमक से फिर क्या धीरे धीरे खार जम जाएगी, तो थोड़ा सा फिर आपके क्या ब्लॉकेज हो जाता है नलकियों में। तो यार ये था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का। तो भाई आ चुके हैं सर्विस करा के और भाई जितनी 4.5 घंटे गाड़ी की सर्विस हुई है ना, मैं गाड़ी के जस्ट पास में खड़ा रहा हूँ, एक मिनट के लिए भी गाड़ी को छोड़कर नहीं गया, पूरी सर्विस मेरे आंखों के सामने हुई है और सच बता रहा हूँ 4.5 घंटे खड़े खड़े रह रहे के पैर दुख गए। तो अब घर जाके कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे। इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है सरप्राइज, तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते किसी ऐसी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।